केपलर्स साइंटिस्ट था जिसने तीन लॉज निकाले प्लैनेट्स को लेके, जो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में भी करेंगे। ये ओवरलैपिंग टॉपिक है रोटेशन का एंड ग्रेविटेशन का, आधा रोटेशन में करेंगे आधा ग्रेविटेशन में करेंगे। लॉज क्या है ये मैं बता देता हूँ। इसने तीन लॉज निकाले और पहला लॉ केपलर्स फर्स्ट लॉ, इसने कहा कि कोई भी प्लैनेट जैसे अर्थ है वो सन के आसपास घूम रही है, तो अगर अर्थ सन के आसपास घूम रही है, जो सन है वो, और हाँ जो ऑर्बिट है इसका वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्स है, वो इलिप्स है, और जो सन है वो उसके सेंटर पे बिल्कुल भी नहीं है इलिप्स के, वो कहां पर है, इस और इस और इस पॉइंट के मिड पॉइंट पे सन है, ये सन है। तो ऐसा लगता है कि सन सेंटर पे, बिल्कुल भी सेंटर पे नहीं है, सन यहां पे कहीं पर है। तो अर्थ की दूरी सन से कभी कभी बहुत दूर हो जाती है और कभी कभी बहुत पास हो जाती है। आजकल दूरी चल रही है, सर्दी आने वाली है, दूरी चल रही है, तो जून जुलाई में यहां पर आ जाएंगे तो गर्मी हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नहीं। जो अर्थ है वो इलिप्स की फॉर्म में घूम रही है, सर्कल में नहीं घूम रही, ओवल। सन यहां पर नहीं है इसके सेंटर पे, इस इलिप्स का सेंटर और कॉर्नर के मिड पॉइंट पे है सन, ठीक। इसको फोकस बोलते हैं वैसे इलिप्स का। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्लियर है, तो मतलब ये बिल्कुल ना सोचें कि सर्कुलर पाथ होगा, नहीं होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा। पॉइंट नंबर वन क्लियर, ये फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ केपलर का, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ केपलर सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली, मान लो अर्थ सन के आसपास घूम रही है और दूरी हर वक्त चेंज होती जा रही है, आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं, कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है। तो मान लो अर्थ कहीं यहां पर थी, घूम के टी टाइम के बाद यहां पर आ गई, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, टी टाइम के बाद यहां पर आ गई, तो उसने सन के साथ जो एरिया स्वीप किया, एरिया स्वेप्ट, वो ये किया। ये एरिया स्वेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ है और ये सन है, तो अर्थ यहां से यहां आ गई, तो ये इमेजिनरी एरिया, ये वाला, ये इमेजिनरी एरिया को एरिया स्वेप्ट बोलते हैं। तो सन के साथ, तो इसके अंदर जो आप ऐसे इमेजिन करेंगे, पहले अर्थ यहां पर थी तो सन के साथ लाइन ज्वाइन कर लें, फिर टी टाइम के बाद अर्थ यहां पर है, लाइन ज्वाइन कर लें, तो ये जो एरिया बनेगा ये एरिया स्वेप्ट है। अब अर्थ ने इतना एरिया स्वेप्ट किया टी टाइम में, अर्थ घूम के यहां पर कहीं यहां पर आ गई, फिर टी टाइम में अर्थ ने अपनी पोजिशन फिर चेंज की, तो टी टाइम में एरिया स्वेप्ट क्या होगा, ये एरिया स्वेप्ट है टी टाइम में, ये एरिया स्वेप्ट है। तो ये एरिया स्वेप्ट सेम रहेगा अगर टाइम इंटरवल आप सेम रखें, मतलब अगर 10 दिन में अर्थ ने 100 एरिया कवर किया, 100 यूनिट्स ऑफ एरिया, अगले 10 दिन में भी 100 ही करेगी, अगले 10 दिन में भी 100 ही करेगी। तो अगर टाइम इंटरवल सेम ले रहे हो तो एरिया स्वेप्ट भी सेम ही होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो केपलर ने कहा कि dA by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फॉर अ प्लैनेट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और इसने इसका नाम दिया कौन सी वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, क्लियर है यहां तक? एंड इसमें एरिया इज अ वेक्टर, एरिया वेक्टर की जरूरत हम बाद में यूज करेंगे, बट अगर कोई पूछ लेगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द एरिया, एरिया के परपेंडिकुलर ली जाती है, पर हमें जरूरत नहीं है इसके इस चैप्टर में, वैसे आइडिया के लिए बता रहा हूं, एरिया इज अ वेक्टर। तो सेकंड लॉ भी क्लियर है। अब फर्स्ट लॉ का प्रूफ तो है नहीं हमारे सिलेबस में, सेकंड लॉ का प्रूफ हमारे सिलेबस में है और ये पेपर में आएगा, ठीक। तो सेकंड लॉ करने से पहले मैं एक और लॉ बता देता हूं आपको, थर्ड लॉ, प्रूफ बाद में कराता हूं। केपलर का थर्ड लॉ ये बताता है कि अगर कोई भी प्लैनेट सन के आसपास घूम रहे और वो एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन टी टाइम में पूरा करता है और रेडियस हर वक्त चेंज हो रहा है, तो एवरेज रेडियस मान लो आर है, तो अकॉर्डिंग टू केपलर टाइम का स्क्वायर, जो भी वो टाइम एक चक्कर का टाइम होगा, टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके रेडियस का, एवरेज रेडियस का क्यूब, ये इसका लॉ है, क्लियर है? तो हर प्लैनेट के लिए वैलिड है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका प्रूफ ग्रेविटेशन चैप्टर में आने वाला है और ये यूज भी नहीं होना रोटेशन में, ग्रेविटेशन में यूज होना है, हम इसको ग्रेविटेशन नहीं काम कर इसको यूज करेंगे, लेकिन केपलर का सेकेंड लॉ हम यूज करेंगे और इसका प्रूफ रोटेशनल से आने वाला है, तो हम रोटेशन में करेंगे, ठीक है।